सिनेमा जगत के बारे में अगर बात की जाए तो आज भी हिंदी सिनेमा जगत में ऐसे कई स्टार्स हैं जिनकी लव स्टोरी काफी फेमस रही है। बता दें आपको, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक और ऐसे कपल के बारे में जिनकी लव स्टोरी को लेकर तमाम ऐसी खबरें सामने आई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे आज बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस रह चुकी जीनत अमान के बारे में। जीनत अमान आज के दौर में भी कहीं ना कहीं इवेंट में देखी जाती हैं। जहां एक ओर अपने समय में जीनत अमान काफ़ी पॉपुलर रही थी अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर, तो वहीं पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी विवादों में रहीं। बेहद ही बोल्ड सीन करती हुई नजर आती थी जीनत फिल्मों में, तो वहीं अपने बोल्ड सीन्स को लेकर भी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरती थी। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उनकी पर्सनल लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं रही है। साल 1980 में जीनत की जिंदगी में एक्टर संजय खान की एंट्री हुई थी। इन दोनों की मुलाकात हुई थी फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान, और यहीं से इन दोनों के अफेयर की शुरुआत हो गई थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे और इन दोनों के प्यार की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया कि संजय और जीनत ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। जी हाँ, ऐसा एक मैगजीन की खबर के मुताबिक सामने आया था। संजय और जीनत हर पार्टी और इवेंट में साथ नजर आते थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि जीनत से शादी करने से पहले ही संजय खान शादीशुदा थे, उनके 3 बच्चे भी थे। बावजूद इसके जीनत अमान के साथ उन्होंने रिश्ता जोड़ लिया था और चुपके से उन्होंने शादी की थी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया कि जीनत और संजय की शादी 1 साल भी नहीं टिक पाई थी, इन दोनों का तलाक हो गया था। जहां फिल्म अब्दुल्ला में दोनों ने साथ में काम किया था, तो वहीं फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद जीनत दूसरी फिल्म में बिजी हो गई, और उसी दौरान संजय ने उन्हें कॉल भी किया, फोन करके अपने साथ एक गाना शूट करने के लिए कहा था। लेकिन जीनत काफी बिजी थी। जहां एक और डेट नहीं मिलने के कारण जीनत ने शूट करने से मना कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ संजय भी पूरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने जीनत को काफी बुरा भला कहा था और उन्होंने फोन कट कर दिया। इसके बाद जीनत पूरी तरीके से घबरा गई थी और शूट खत्म होने के बाद संजय के घर मिलने पहुंच गई थी। लेकिन तब उन्हें पता चला कि संजय किसी होटल में पार्टी करने गए हैं। जीनत घबराते हुए वहां भी पहुंच गई, लेकिन वहां पर जीनत को देखते ही संजय उन्हें एक कोने में ले गए और उन पर हाथ उठा दिया। इस पूरी घटना को होटल के स्टाफ ने भी देखा था, लेकिन इसके बाद जीनत की आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ गई थी। बता दें आपको, इस बात की पुष्टि की थी जीनत के डॉक्टर ने, और इस घटना के बाद जीनत और संजय का रिश्ता पूरी तरीके से टूट गया। जीनत इस घटना को कभी भुला नहीं पाई और संजय की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर जीनत आगे बढ़ गई, और साल 1985 में मजहर खान से उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद उन्हें 2 बेटे हुए, अजान और जहान। इस तरीके से इन दोनों के रिश्ते का दी एंड हो गया। आज के दौर में देखा जाए तो जीनत अपनी लाइफ में बिजी है, तो वहीं संजय खान अपनी लाइफ में, ये दोनों ही अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इन दोनों के अफेयर की चर्चा हर जगह पर हुई। आज भी जीनत को देखा जाता है तो लोग उनके उस पुराने दौर को याद कर बैठते हैं, तो वहीं संजय खान को देख कर भी। वेल दोस्तों, जीनत अमान के बारे में आपकी क्या राय है, आपको कैसी लगती हैं जीनत, ये आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी दूसरे सेलिब्रिटी की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।